वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और वेलकम आपका पिंक फॉरेस्ट विला में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नवंबर मंथ का ग्लैम ईगो बॉक्स। हाँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा जो बॉक्स है वो कोरियर वालों ने अटका के रखा हुआ था, बट फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट आ गए हैं, मेरा जो बॉक्स है वो आ गया है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये खोल दिया है बिकॉज जो इसके अंदर आया है लिपस्टिक वो मैंने वेयर किया हुआ है, तो आप लोगों को एक चीज तो पता लगी गई होगी कि क्या आया है। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है, मैग्नेटिक बॉक्स है, और ये इस बार का जो बॉक्स है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी है। मतलब देखने में ही लग रहा है एकदम फेस्टिव बॉक्स इन लोगों ने बनाया है। तो मेरे पास है दो कार्ड्स और सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर। तो इस बार का जो थीम है वो है 5 facts about me और ग्लैम ईगो। तो सबसे पहले ये जो कार्ड्स है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट है उसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसकी जो है डिटेलिंग दी गई है, डिटेल दी गई है क्या क्या इसके अंदर आया, क्या उसकी प्राइसिंग और क्या उसकी क्वांटिटी है। और जो दूसरा कार्ड है वो है मेरे पास #ग्लैम ईगो बॉक्स, इनके #5 facts about ग्लैम ईगो बॉक्स, जो वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो ग्लैम ईगो बॉक्स का फैक्ट है वो है 100% ये ओरिजिनल एंड जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। जो कि बॉक्स अगर आप लेंगी तो इनके 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, यानी कोई भी नकली प्रोडक्ट नहीं होगा इनके पास। जो सेकंड इनका फैक्ट है वो है प्रोडक्ट सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड। जो कि जो इनके प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली ब्रांड से लेते हैं जो कि प्रीमियम और लग्जरी हैं। ये तो मैंने इतनी बार अनबॉक्सिंग किया आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि ग्लैम ईगो बॉक्स के अंदर सारे लग्जरी प्रोडक्ट आते हैं। जो आप स्वयं से नहीं खरीद सकते तो ग्लैम ईगो बॉक्स दे लीजिए, आपको कम पैसे में वो मिल जाएगा। जो थर्ड है इनका वो है इंक्लूड प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज्ड एवरीडे, यानी एवरीडे बेसिस प्रोडक्ट ये लोग डालते हैं, लाइक लिपस्टिक हो, फेस मॉइस्चराइजर हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो ग्लैम ईगो बॉक्स डालता है, जो आप डेली मर्रा में यूज कर सकते हैं, यानी आप उनको रख नहीं देंगे, आप उनको यूज करेंगे। फोर्थ है lacks of happiness एंड सेटिस्फाई। इनके बहुत सारे जो कस्टमर है वो लाखों में है एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। तो ये इसलिए मेरा भी फेवरेट है क्योंकि आपको 299 ही पे करना होता है या 399 पे करना होता है, और आपको बहुत ज्यादा ही महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि आप कभी भी अपने पैसों से तो नहीं खरीद पाएंगे, लाइक आपका इतना बजट नहीं होगा। यानी वोत्र के प्रोडक्ट कितने महंगे होते हैं यार, सफोरा में अवेलेबल होते हैं 2200 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं, वो आप ऐसे नहीं खरीद पाओगे। तो ग्लैम ईगो बॉक्स वो आपको दे देता है। एंड द फिफ्थ है कि गेट मोर देन 4 आइटम्स, जो आप इस बॉक्स को जब ऑर्डर करेंगे तो आपको 4 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे गाइस, 4 से ज्यादा। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर दी गई है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम देखते हैं कि इस बार की ग्लैम ईगो बॉक्स में हम लोगों को क्या मिला है, क्या चीज आपको एक्साइट कर रही है इस बार। तो फर्स्ट है मेरे पास बेला वोसे की लिक्विड लिपस्टिक जिसका प्राइस है 599 रुपीज, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। जो शेड है वो ये वाला है, तो मैं चलिए आपको खोल के दिखा देती हूँ फटाफट से। बेला वोस्टे काफी एकदम ऐसा ब्रांड है जो कि क्रिएटिव फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको बिल्कुल भी यानी आप लिप्स पर यूज करें, फेस पर आईलाइनर मस्कारा जो भी आप इसका यूज करते हैं वो एकदम क्रुएल्टी फ्री होता है, कोई एनिमल टेस्टेड वगैरह नहीं होता है, तो आपको परेशानी नहीं होगी, यानी आपके लिप चैप निकाले नहीं होंगे। तो ये है लिपस्टिक, ये देखिए ये वाला शेड है जो मैंने अभी अप्लाई किया है। मेरा फेवरेट तो नहीं है बट मैंने इस बार यही चूज किया क्योंकि मैं इसको अपनी बहन को देने वाली हूँ, तो ये उस वो थोड़ी डस्की स्किन टोन की, तो उसके ऊपर ये परफेक्ट शेड लगेगा, बट मेरे लिए थोड़ा सा बोल्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। इसलिए जो सेकंड चीज है वो पढ़ते हैं कि क्या है। ये है हेल्थ वीट का एक्टिवेटेड चारकोल टूथ पाउडर। एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया है, थंबनेल से आपको लग गया होगा कि यूज कर लिया है। बेसिकली ये चारकोल टूथ पाउडर है, आपके टीथ को वाइटन अप करता है। चारकोल के अपने ही बेनिफिट्स है, कहने की जरूरत नहीं है। 300 इसकी प्राइस है और क्वांटिटी के हिसाब से आपको काफी बड़ा जो ये है डब्बा ये आपको मिल रहा है, 20 ग्राम इसके अंदर डाला गया है। और इसका कोई अपना टेस्ट नहीं है, ना ही कोई फ्लेवर्ड है, कोई स्मेल है, आपको ऐसा लगेगा कि आप राख से धो रहे हैं बट एक्चुअली आपके टीथ एकदम झगमगा जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा वंस इन अ व्हाइल आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छा, लेकिन इसका एक क्लेम मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्लेमर कह सकते हैं उसको हम, कि जो टूथब्रश है ना आप वो दूसरा वाला यूज कीजिएगा क्योंकि वो काला हो जाता है और फिर उसका जो कालापन है वो आप नहीं हटा पाएंगे जानी। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है बायो ब्लूम की तरफ से, जो है वॉटर लिली बॉडी मिस्ट। एक्चुअली मेरे पास ये ऑलरेडी था, जो वेरिएंट था वो दूसरा था बेसिकली, मुझे ग्लैम ईगो बॉक्स में मैं पूरा मैंने उसको लगा लिया, स्नान कर लिया उससे और उसके अंदर अब मेरा टोनर भरा हुआ है। तो ये है बहुत ही फाइन मिस्ट है और जो स्मेल है ना मतलब डिवाइन डिवाइन खतरनाक। तो ये था हमारा फोर्थ प्रोडक्ट और इसका जो प्राइस है वो है 450 रुपीज, ठीक है, और काफी बड़े साइज है एक्चुअली, बट जो
फोर्थ प्रोडक्ट है वो हमें सैंपल साइज मिलेगा एक्चुअली सेसा सॉरी पामर्स की तरफ से है ये बॉडी लोशन सैंपल है ये, और सैंपल का प्राइस इन्होंने दिया नहीं बिकॉज ये सैंपल है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। सर्दियों के लिए बॉडी लोशन तो चाहिए ही। ओहो काफी थिक है इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखेंगे तो एकदम जैसे बटर निकल के आ जाता है वो है। मेरे को इसकी स्मेल ना कॉम्प्लान जैसी लग रही है, आप लोगों में से किस किस ने कॉम्प्लान पिया बचपन में वो बताओ। स्मेल बहुत ही अच्छी है, खाओ खाओ टाइप स्मेल है, मिल्की चॉकलेट होती है ना कुछ उस तरीके की स्मेल है, और या कोको बटर इसलिए इसकी स्मेल ऐसी है, बट मुझे ये कॉम्प्लान जैसा लग रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। ओके जो नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट है वो है सेसा की तरफ से, मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुकी हूँ, मेरे पास रिव्यू है इसका, परफेक्ट है, परफेक्ट कमाल की चीज है। 99 रुपीज इसका प्राइस है। ये है सेसा मड मास्क हेयर स्पा किट, और इसके अंदर 3 या 4 सैशे होते हैं जिसके अंदर आपको शैम्पू मिलता है, कंडीशनर मिलता है और मास्क मिलता है, तो ये सारी चीजें होती है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने ट्राई कर चुकी हूँ, यूज कर चुकी हूँ पहले भी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, आपको रिजल्ट के बारे में पता लगेगा। एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है सेसा, एक हर्बल ब्रांड है आप सभी को पता है। तो ये था इस बार का ग्लैमिगो बॉक्स, और अब सब सोच रहे होंगे कि 5 फैक्ट्स मैंने ग्लैमिगो बॉक्स के बता दिए बट जो मेरे है वो नहीं बताए, तो मेरे को ज्यादा फैक्ट्स इतने हैं नहीं, बट फिर भी मैं जो कुछ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लिपस्टिक की बात करें तो मैंने अपनी पहली लिपस्टिक परचेज की थी 2013 के अंदर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, बिकॉज हमारे घर में लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं है, मेरी मम्मी ने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो मैंने 2013 में अपनी पहली लिपस्टिक खरीदी थी और मैं छुप छुप के लगाती थी उसको, यानी कॉलेज में डिगी भर के जाती थी स्कूटी की, और जब कॉलेज पहुंच जाती थी तो मैं उसको अप्लाई कर लेती थी। तो ये मेरा पहला फैक्ट है। अगर दूसरा फैक्ट की बात करें तो इसकी बॉडी मिस्ट की, मुझे पता ही नहीं था कि बॉडी मिस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, अनलेस मैंने खुद का नहीं खरीदा और मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा। तो पहला जो बॉडी मिस्ट है वो मैंने आई थिंक किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ही लिया था, तभी मुझे पता लगा था कि बॉडी मिस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। जो तीसरा है कि मैं लैक्टिक एलर्जिक हूँ और मैं दूध वगैरह नहीं पी सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी दूध नहीं पी सकती हूँ, लाइक नो नो, चाय पी सकती हूँ दूध नहीं पी सकती, पता नहीं क्या ही कॉम्बिनेशन क्या ही प्रॉब्लम है। अगर बालों की बात की जाए तो जैसे कि अब तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बट मैंने 12th क्लास तक बॉय कटिंग रखी थी, टॉम बॉय की तरह मैं बिल्कुल ही बॉय कट रखती थी और मैंने कभी भी अपने बाल नहीं बढ़ाए थे। जब छुट्टियां हो जाती है, 12वीं की एग्जाम दे देते हो, छुट्टियां हो जाती है, मेरी जो डीएमसी होती है उसमें भी अगर आप देखोगे तो मेरे बॉय कटिंग है, मैं पहचान में नहीं आ रही हूँ मेरी जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर, तो मैंने तब बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इतने इतने बाल लेकर मैं कॉलेज में गई थी, और बस यही है। और जो अगर टूथ पाउडर की बात करें तो इससे मेरे को एक फैक्ट याद आ रहा है कि जो 5th फैक्ट आप बोल सकते हैं उसको कि यू नो टीथ का मेरा एक दांत नहीं है, जो जाड़ बोलते दाड़ बोलते क्या बोलते उसको, वो नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, मुझे जाड़ के नीचे दाढ़ जो भी बोलते हो आप उसके नीचे रसौली हो गई थी, तो ऑपरेशन करके वो दांत निकाल दिया और दांत के नीचे जो रसौली थी वो निकाल दी, तो मेरा एक दांत नहीं है, वैसे भी भगवान ने कम दिए थे 22 दांत और एक डॉक्टर जी ने ले लिया, तो मैं उसको फिक्स कराने की सोच रही थी बट मेरे को डर लगता है कि इंजेक्शन जाएगा वहां पे, तो मैंने वो भी नहीं किया। तो ये बहुत ही मतलब मैं किसी को बताने वाली नहीं थी ये चीज, बट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी, तो किसी से शेयर मत कीजिएगा। तो ये था ग्लैमिगो बॉक्स, और इस बार का ग्लैमिगो बॉक्स मुझे काफी पसंद आया एक्चुअली, जो सारे प्रोडक्ट उनके साथ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो ये 2 चीज है इसके अंदर, क्योंकि ये लिपस्टिक है और ये हालांकि ये लिपस्टिक मेरे पास रहने वाली नहीं है बट फिर भी मुझे काफी पसंद आया। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे सारी डिटेल्स दी गई है, प्लीज वहां से चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट होते हैं कैसे ऑर्डर करना है, डायरेक्ट वेबसाइट लिंक है वहां पर जाइए, पेमेंट कीजिए और इसको ऑर्डर कर लीजिए। 6 मंथ 1 ईयर 3 मंथ्स या फिर आप 1 महीने के लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको नवंबर मंथ का ग्लैमिगो बॉक्स पसंद आया है तो आप नवंबर मंथ का ग्लैमिगो बॉक्स भी ले सकते हैं सिर्फ, और इसके प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं, अपने ब्यूटी रिज्यूम में इनको शामिल कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कॉमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कैसी लगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय। 10 हो जाएगा तो मैं ढेर सॉरी एड लगा दूंगी। बाय बाय एवरीवन।